नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के ग्राम कुजियारी में एक पीड़ित परिवार का बड़ा आरोप। मोहम्मद मुफीद पुत्र हफीजुल्ला का कहना है कि उनकी बहन ने एक जमीन ली थी जिस पर निजामाबाद क्षेत्र के कुछ मनबढ़ लोग कब्जा करना चाहते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि उनके घर पर आकर भी धमकी दे चुके हैं, जबकि जमीन का कागज बेनामा भी है हमारे पास। 2019 में निजामाबाद थाने में FIR दर्ज किया था, अभी तक पुलिस भी कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें न्याय की जरूरत है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि निजामाबाद थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी उन मनबड़ों के साथ मिले हैं। ऐसे में अगर हम मुझ पर और मेरी बहन के परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। निजामाबाद से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद की खास रिपोर्ट। हम आजमगढ़ के ग्राम कुजियारी में है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुफीद है, पुत्र हफीजुल्ला। अच्छा अच्छा, आपकी जमीन को लेकर कोई? हाँ, हम सिस्टर के नाम बैनामा लिए थे 2014 में, नौसाद पुत्र फौजदार थे। अच्छा, ये अलसेर और के काफ़ी दबंग किस्म के हैं, मस्जिदियाँ थाना निजामाबाद के निवासी हैं। अच्छा। इन्हीं के साजिश के तहत हमारी जमीन हड़पी जा रही है। अच्छा। उसी में यहाँ के वसीम पुत्र मारूफ जो शुक्रवार को निर्माण करा रहे थे, हमारी सिस्टर ने रोका आके जो बैनामा लिए थे, तो उनको ये लोग मारने के लिए दौड़ा लिए, असलाह दिखाए, बोले चले जाओ उन्हें हत्या कर देंगे। हमने ये वसीम ने, वसीम पुत्र मारूफ ने, आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं, हम उस वक्त इंस्पेक्टर साहब को कॉल किए सरकारी नंबर पे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस आई, हमको उठा के गाड़ी में बैठा के ज़बरदस्ती लेके चली गई। हम कहे सर निर्माण रुकवा दीजिए, बोले वसीम को भी लिवा गई और इधर निर्माण करवा दी। हमको जुमा भी नहीं पढ़ने दी पुलिस। एक अवधनाथ यादव जी हैं सिपाही, काफ़ी इंटरेस्टेड थे। हमारा रजिस्टर्ड बैनामा है देखिए, और वो कह रहे हैं कि फर्जी है, सब कह रहे हैं लोग बैनामा यहाँ फर्जी है। नौसाद अब हम वही जानना चाहते हैं पुलिस से, जब ले गई दोनों पार्टी को तो निर्माण कैसे हुआ? आप ये प्रशासन तक एक बात पहुँचाइए। हाँ, हमारे पास रजिस्टर्ड बैनामा है देखिए, लेकिन सिस्टर का नाम बैनामा लिए नौसाद पुत्र फौजदार से, रजिस्टर 2014 में। तो कोर्ट वोट तक नहीं गया? कोर्ट तक गए, कोर्ट से एक अलसेर ने मुकदमा किया था, बोले फर्जी मुकदमा, हम जीत गए, डिग्री उनके खारिज हो गया मुकदमा। और अलसेर इसमें फ्रॉड किए, जमीन कब्जा कर लिए हैं। इनके ऊपर देखिए कितना मुकदमा लिख, कितनी बड़ी बड़ी धारा, मुकदमा नंबर 46/19, 419, 420, 467, 467, 471, 294, 504, 506 IPC में चार्जशीट भी लग चुकी है न्यायालय में। अभी तक इनकी गिरफ्तारी का बेल भी नहीं कराए। एक इसी जमीन के तहत धमकी दिए, गवाहों को मारे, 183/19, 323, 504, 506, 427, 341, 595 ये अभी तक किसी में जमानत नहीं कराए और इतने दबंग किस्म के हैं, सब अलसेर के साजिश से। इनके ऊपर 110 2014 में, हाँ 2014 हमने जमीन ली। अलसेर वगैरह कहाँ से आ गए? अलसेर मस्जिदियाँ के हैं, इनका पैसा है जमीन हड़पना और दूसरों को चढ़ा के ये पीछे से वार करते हैं। उनका यहाँ कोई रहता है? इनका पूर्व में यहाँ ननिहाल था। हाँ, हमने नौसाद से लिया, नौसाद के यहाँ के देखिए क्या, इनके अलसेर के ऊपर, माजिद के ऊपर 110 की भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन को जब आपने इत्तला दी तो प्रशासन के अधिकारियों ने क्या आपको जवाब दिया कि कार्रवाई होगी? नहीं, हम गए जब यहाँ से, पुलिस हमको लेके गई थाने पे। हाँ। तो इंस्पेक्टर साहब से बात कराए, इंस्पेक्टर कागज हमारा आजमगढ़ वकील साहब के पास था। हम इंस्पेक्टर साहब सारी बात बताए, इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप कागज मंगवा दो बेटा, अगर हम प्रमाण देख के छोड़ देते। इंस्पेक्टर साहब कुछ देर क्षेत्र में भ्रमण पे चले गए और पुलिस वालों को हम कागज बुला के दिखाए, हमको बैठा दिए, बोले कोई कागज नहीं चलेगा, तुम्हारा 151 होगा शाम तक। हम कहे ठीक है सर, कर दीजिए, हमारा उसी में कर दिए, इधर निर्माण हो गया। आखिर क्यों 151 में? हम यही जानना चाहते हैं हमारा क्यों, हमारे पास प्रमाण है, बैनामा है, हाई कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है। देखिए सर, हाई कोर्ट चल रहा है इसका मुकदमा, फिर भी हमको पुलिस मानने को तैयार नहीं है। तो इस मामले को लेकर आजमगढ़ जिला अधिकारी को आप? नहीं, हम जाएंगे, थोड़ा अभी जाएंगे, हम कप्तान साहब के यहाँ लिखित दरखास्त देंगे और इन लोगों को मुकदमा लिखवाएंगे। तो अभी आप फिलहाल क्या चाह रहे हैं कि हम इंस्पेक्टर साहब, हमको धमकी मिल रही है, हमारे बच्चों को, हमारे बहनोई विदेश रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, हम घर के देखभाल, हमारा घर घूरीपुर है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, जैसे आपको अभी धमकी मिल रही है, अगर हम लोगों के साथ सपोज डेट कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ पुलिस थाने से, एक दो पुलिस मिले हुए, हम लोग हत्या, हमारी बहन की हत्या, हमारे बच्चों को धमकी मिल रही जान मारने की, कि चकिया हुसैनाबाद में जो घटना घटित हुई है, हम वो घटना घटित हो जाएगी, यहाँ घर में घुस के सबको मार देंगे, ये धमकी आज सुबह मिली है। कहाँ धमकी, कौन से देते हैं? नहीं, भेजते हैं घर पे देते हैं। कौन धमकी देते? ये वसीम के थोड़ा, अलसेर के थोड़ा, वसीम की एक औरत है रोशन जहाँ, इनके थोड़ा धमकी देके जाते हैं। उनका चेहरा वगैरह याद है आपको? हम शक्ल से वाकिफ हैं, बता सकते हैं शक्ल देखने पे, नाम से नहीं वाकिफ हैं। हाँ,
उन लोगों की उम्र क्या होगी जो धमकी देके जाते हैं? लगभग 28 से 30 साल है। कई लोगों से ये धमकी दिला चुके परसों से। हम एसओ साहब को कहा निजामाबाद, आज कहे बोले बेटा ठीक है दरखास्त दो लिखित, हम मुकदमा लिख के इन लोगों की गिरफ्तारी करते हैं सच है? हाँ तो हम आज आजमगढ़ थे ये कागज कुछ लेने के लिए, इसीलिए अब कल एसओ साहब या कप्तान साहब से भी मिलेंगे, इन लोगों के खिलाफ दरखास्त देंगे। अब यही जानना चाहते हैं, लोग बोलते हैं बैनामा फर्जी है, यहाँ पे निर्माण जो कि रुका हुआ है अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं। हम तो हमको तो पुलिस बैठा दी उस दिन, हमारा 151 कर दी, हम नहीं बता सकते निर्माण हो गया था। देखिए आप लोग देख लीजिए ये निर्माण कैसे हुआ, जब हमारा बैनामा सुधा, हालांकि हमारे पास इतना प्रमाण है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, जबरदस्ती बोलते हैं फर्जी, जिससे हम बैनामा लिए। देखिए नौसाद यहाँ का इनका पासपोर्ट है कुजियारी का, बोलते हैं पासपोर्ट फर्जी है, ये पासपोर्ट है नौसाद का, ये नौसाद का भाई, इनका मृत हो चुकी है, नौसाद के भाई शमशाद थे, इनका है कुजियारी से बना हुआ पासपोर्ट, ये परिवार रजिस्टर कुजियारी की है, देखिए ये बोलते हैं फर्जी है सब, और इसी सब पे विवेचना जो। तो ये सारे मामलों को लेकर आप जिला प्रशासन से क्या कहेंगे कि इस पर एसपी साहब या आजमगढ़ नहीं, हम साहब संज्ञान ले, हम पुलिस अधीक्षक साहब से ये कहना चाहते आपके साथ इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ, और हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए हमारे घर पे, हमारे बच्चों के साथ, हमारी सिस्टर के साथ, कोई है नहीं बड़ा आदमी देंगे, कोई घटना घटित हो गई तो इसमें कुछ पुलिस के दो एक पुलिस के अधिकारी मिले हुए मिल के हत्या करवा सकते हैं हम लोगों को, धमकी मिल रही है। तो मिला जुला कर आपको न्याय चाहिए? न्याय चाहिए हमको, और हमारे इस पे निर्माण नहीं होना चाहिए, न्यायालय के इस पे आदेश है, न्यायालय का आदेश की अवहेलना हो रही है। ठीक ठीक शुक्रिया। क्या नाम है? हमारा मोहम्मद मुफीद नाम है।